प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार सभी दर्शकों को, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा चौर हो रहा है कि चतुर्मास आ रहा है और इस बार दो महीने के लिए सावन का महीना है। अब सावन के महीने की विशेषता देखिए कि यहाँ शिव की उपासना करी जाती है और हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि यहाँ शिव की उपासना ही क्यों करी जाती है। अब मैं आचार्य जेपी सिंह एस्ट्रोमेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरा मत ये है इसके लिए कि मैं बताना चाहता हूँ विशेषता है आपको कि यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव की उपासना इसलिए नहीं करी जाती कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, यहाँ इसलिए नहीं करी जाती कि शिव जो है हमारे लिए संहारक हैं, हमारी सृष्टि का संतुलन बना रहता है दोनों की उपासना करने से। इसलिए खास तौर पे ये जो समय है, इस समय नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तामसिकता बहुत अधिक हो जाती है और व्याधियाँ सर्वाधिक हो जाती हैं। और शिव योगी हैं, योग की बात करते हैं यहाँ। अगर आप देखें जितनी योग मुद्राएं हैं, जितना भी हम आसन या करते हैं, मुद्राएं करते हैं, ये किसने दी? ये शिव ने दी हैं हमें, क्योंकि महायोगी कहा गया है उनको। और महायोगी की तपस्या और पूजा हमारे लिए इसीलिए अनिवार्य हो जाती है सावन के महीने में कि यहाँ पर जितनी व्याधियों और रोगों से बचने के लिए उनसे उत्तम कुछ नहीं है। तो इसलिए ये बात समझ लीजिए कि हम कई बार ये कह बैठते हैं कि चतुर्मास है, इसमें सब कुछ मनाई है, पूजन नहीं करना चाहिए, कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो मांगलिक कार्य कौन सा नहीं करना चाहिए? विवाह नहीं करना चाहिए, घर मकान दुकान का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मनाई हैं। पूजन की मनाई नहीं है यहाँ, तो चतुर्मास में आप जितना पूजन करेंगे उतना ज़्यादा फलीभूत होगा, पर हम इसको उल्टा ही समझ बैठते हैं। अब जहाँ एस्ट्रोमेडिकल की बात आती है, व्याधियों की बात आती है, मैं अपने मुख्य उस पर बात पे आ जाता हूँ। अब वहाँ क्या सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर सबसे पहली बात है, जब आप देखें वर्षा ऋतु के अंदर सबसे ज़्यादा जर्म्स कीटाणु ये उत्पन्न होते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम वातावरण के अनुसार ग्रहों की संतुलन की बात करें तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति देखें तो सबसे क्षीण होता है। अब यहाँ पर सूर्य की स्थिति देखें तो यहाँ पर सूर्य प्रबल नहीं होते हैं। क्यों? कि अगर आप प्रैक्टिकल वे में भी देख लें तो सूर्य बादलों के पीछे छुपे होते हैं, प्रकाश का अभाव होता है, जम्स ज़्यादा पैदा होते हैं। इसीलिए कहा जाता है सावन के महीने में हरी पत्ती की सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कीट पतंग सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। अब रोगों का जो उद्गम इसमें होता है, उसी के लिए कहा गया कि यहाँ पर पाठ पूजा करें, पूजन करें और ख़ास तौर पर व्याधियों से बचे रहें। तो यहाँ पर सबसे पहली बात अगर आप समझें तो सावन के महीने में या चतुर्मास में महत्वपूर्ण क्या है? आपका आचरण, ख़ास तौर पे आप क्या खाते हैं, कैसे रहन सहन करते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो निश्चित रहिए आपके लिए कोई भय की स्थिति नहीं है, पर अगर आप तामसिक भोजन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो सर्वाधिक व्याधियों के साथ आप ग्रसित होने वाले हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए कि जब ख़ास तौर पे इस समय में अगर आप देखें मंगल का बल क्या है, अगर गोचर में भी उठा के देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्थिति यही मिलेगी कि यहाँ ग्रह स्थितियों के कारण व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो जितना ध्यान साधना से ग्रह को प्रबल किया जा सकता है और कोई माध्यम नहीं है। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए ही ये सब कुछ बनाया। आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि वो एडवांस है, वो इससे लाखों गुना एडवांस है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि अगर आप देखें कि जहाँ व्याधियों की बात होती है तो वहाँ समाधान की बात भी हो रही है। क्यों हो रही है? कि उनको पता था, वो पहले से ही जानते थे कि ये ऋतु आने वाली है, इस समय ये करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि सावन के महीने में दही नहीं खाना चाहिए, लस्सी नहीं पीनी चाहिए। क्यों? ये ख़ास तौर पर जॉइंट पेन क्रिएट करता है। अब दूसरी बात, कंदमूल नहीं खाने चाहिए। अगर जैन समाज की बात करें तो वहाँ देखिए सबसे पहली बात कही जाती है कि भूमि के नीचे उगने वाले कंदमूलों को निषेध कर दिया जाता है चतुर्मास में। क्यों कर दिया जाता है? कि सबसे ज़्यादा जर्म्स इस समय उसी में होते हैं। क्यों? वर्षा ऋतु के अंदर जितने वातावरण में कीटाणु हैं, जो कुछ है, वो पानी के साथ आएंगे, ज़मीन में जाएंगे और उनके साथ चिपक जाएंगे, तो वो हमारे लिए रोगकारक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे को किन चीज़ों का परहेज करना है, किन चीज़ों का निषेध करना है, निषेधन करना है,
और किन को लेना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिए, यहाँ पर अगर व्याधियों की हम बात करते हैं तो व्याधियों के साथ में सबसे बड़ी चीज़ जुड़ती है हमारी अपनी पत्रिका के योग। हमारी पत्रिका में अगर सूर्य क्षीण है, मंगल क्षीण है और शनि क्षीण है, तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि ये स्थिति ऐसी होगी जो वो अपने आप आपको व्याधिग्रस्त कर देगा। तो आपको सबसे पहला ध्यान देना है कि अपनी पत्रिका का अवलोकन कराकर ये जान लेना है कि मुझे किस चीज़ का यहाँ पर निषेधन करना है, क्या नहीं लेना है और किस चीज़ का मंत्र जाप करना है। देखिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप अपने पाठ पूजा जो भी आप करते हैं वो सिर्फ हमारे बताए अनुसार करें, आप जो करते हैं करिए, पर विशेषतः जब आपको अपनी पत्रिका के या अपने व्याधियों से बचने के लिए अपने लिए कोई कार्य करना है तो आप उसको पूछ कर ही करेंगे। इन जनरल आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रहा सवाल विशेषता, जैसे हमने कहा शिव की उपासना करनी है, आप ओम नमः शिवाय का जप करिए। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेथ। आप महामृत्युंजय का जप करिए, बहुत अच्छा है, पर विशेषता आपको समझना है कि अगर मेरी पत्रिका में विषकुंभ योग है तो निश्चित तौर पर इस समय सर्वाधिक प्रभावशाली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ विषैले पदार्थ सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं और विषकुंभ योग की जिनकी पत्रिका में है वो सर्वाधिक पीड़ित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? यहाँ फिर प्रश्न आता है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ क्यों हो जाते हैं, वो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारी पत्रिका में क्या योग है, तो इसलिए किसी जानकार से, किसी विशेषज्ञ से हमें पूछ लेना चाहिए। अगर हम ये नहीं पूछते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इन जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इन जनरल कैटेगरी से हमें ऊपर उठकर सबसे महत्वपूर्ण बात ये जाननी है कि हमारी पत्रिका में कोई ऐसे योग तो नहीं है जो हमें पीड़ित कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण लिया विषकुंभ योग का, अब अंगारक दोष है तो मंगल पीड़ित है, तो हमें उसके लिए भी समझना होगा कि इस समय हमारे लिए व्याधि ना उत्पन्न हो जाए। जॉइंट पेन सबसे ज़्यादा इसे चतुर्थमार्ग के समय में होते हैं। क्यों होते हैं? हमारी गलतियों की वजह से होते हैं। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति बदलाव पैदा कर रही है और हम एक ही तरफ चल रहे हैं, एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं, तो हमें प्रकृति के साथ परिवर्तन में आना है और प्रकृति के इस परिवर्तन में ज्योतिष हमारा सहायक है, हमारे ग्रह हमें वहाँ सहायता कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रकृति की नवग्रह संरचना, हमारे ये जो सातों चक्र बताए गए, ये कहाँ से जुड़ते हैं? ये हमारे इस ब्रह्मांड की संरचना के साथ, हमारे शरीर के अंदर जो ब्रह्मांड छुपा है, जो हमारे ग्रह छुपे हैं, हमारे रोग कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं होते। साइंस भी आज मानती है कि हमारे सेल्स के अंदर हमारे रोग छुपे हुए हैं, अगर हम पहले से जान लें तो हमें पता लग सकता है। तो उसी तरह से एस्ट्रोमेडिकल भी आपको ये बताता है कि व्याधियाँ आपकी पत्रिका में छुपी हैं। अगर आपका सूर्य पीड़ित है, सूर्य शनि की युति है, तो आपके लिए हृदय रोग सबसे ज़्यादा घातक हो सकता है। ये चेतावनी है, हमें जाग जाना चाहिए। तो पत्रिका के द्वारा हम जान सकते हैं। तो स्थिति में हम ये जान सकते हैं कि इस चतुर्थ मास के अंदर, इस सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहीं हमें रोग तो नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये रोगों का समय है, पर ये कह देने भर से नहीं होगा कि ये रोगों का समय है, हमें उसके साथ जागृत होना होगा, समय के साथ अपने आप को भी यहाँ पर जोड़ना होगा कि हाँ, हम ज्योतिष का किस तरह से लाभ ले सकते हैं। ज्ञान के प्रकाश में हम उस अज्ञानता के अंधकार को ख़त्म कर देते हैं जिससे हम रोगग्रस्त हो सकते हैं, किसी व्याधि से ग्रसित हो सकते हैं। तो उनका बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि आप अपनी पत्रिका के आधार पर, और ख़ास तौर पर अगर आपको पहले से ही पता है, तो उन ग्रह स्थितियों के आधार पर आप पूजन करिए, दान पुण्य करिए, वो आपके लिए विशेषता लाभप्रद होगा। अन्यथा हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे तो होगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना, आप सुनते भी होंगे कि परमात्मा भाव का भूखा है, परमात्मा का नाम किसी रूप में भी लिया जाए बहुत उत्तम होता है, हम पूजा कर रहे हैं परमात्मा को सब पता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप एक चीज़ बताइए, आपको जाना है पूरब की तरफ और आप पश्चिम की ट्रेन में बैठ जाइए, आपको जाना है अगर मुंबई और आप बैठ जाएं मद्रास जाने वाली ट्रेन में, तो क्या पहुंच जाएंगे? या जम्मू जाने वाली ट्रेन में बैठ जाएं तो आप पहुंच जाएंगे? नहीं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मंत्र किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक ही मंत्र होता
यहाँ सब कुछ अलग अलग क्यों है, नवग्रह के मंत्र अलग क्यों हैं, हर एक देवी देवताओं के अलग अलग क्यों हैं, हर एक समय के अनुसार स्थिति के अनुसार क्यों हैं, क्योंकि वो इसीलिए हैं कि विशेषतः लाभ लेने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। और सूर्य उदय के समय हम कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं और सायंकाल में कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं, इसका भी भेद हमें जानना जरूरी है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या है, हम वही गलती कर रहे हैं जिस तरह से एक जातक ये समझता है, एक बच्चा ये समझता है कि मैं सूर्य को देख रहा हूँ और सूर्य मेरी कटोरी में दिख रहा है तो मैं इसको पकड़ लूँगा। और हम ये मूर्खतावश ये सोचते हैं कि हम परमात्मा को कैसे भी हम मना लेंगे। वह आपके भाव को तो देख ही रहा है पर आपके कर्मों को भी देख रहा है। अगर आपकी श्रद्धा निष्ठा विश्वास अगर है और आप मंत्र जाप या पूजन विधि विधान के अनुसार कर रहे हैं तो आपको उत्तम फल मिलता है। तो उत्तम फल की कामना अगर आप करते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा, अन्यथा फिर हम भटक जाएंगे और हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप समय के आधार पर, विशेषतः अपने पत्रिका के आधार पर, सब चीज़ों के आधार पर ही अपने उपाय करें। और जैसे खास तौर पे सावन के महीने की हम बात कर रहे हैं विशेषतः, तो इसमें किस तरह से पूजन करें उसको भी समझ लें, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जी हम कहीं भी बैठकर पूजन कर लें, कैसे भी कर लें, भगवान तो भाव का भूखा है। आप अगर आप बेड पे बैठ के पूजन कर रहे हैं, अपने बिस्तर पे बैठ के पूजन कर रहे हैं तो वो निषेध है। क्यों है? अशुद्ध स्थान है। आपको पूर्व मुख होकर बैठना है, नीचे आसन लगाकर बैठना है, बिना आसन के नहीं बैठना है। कई लोग मैं देखता हूँ कि बिना आसन के बैठ जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको आसन लगाकर बैठना है, पूर्व मुख होकर बैठना है और शिव उपासना कर रहे हैं तो शिव का ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम है ईशान की दिशा की तरफ मुख कर लीजिए तो सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। अन्यथा हम कहीं भी मुख करेंगे तो कहीं पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। आप दक्षिण की तरफ बैठकर शिव की उपासना करेंगे तो कैसे लाभ मिलेगा, क्योंकि देखिए आप मेरे पीछे खड़े होकर मुझे आवाज़ मार रहे हैं मेरी तरफ पीठ करके, तो मुझे कैसे पता चलेगा। आप मेरे सामने खड़े होकर मुझे इशारा भी करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो यही चीज़ आप समझिए कि देवता की उपासना करनी है, देव को प्रसन्न करना है तो इन नियमों का ध्यान देना होगा। अगर व्याधियों से हमें बचना है तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये समस्या का समय नहीं है, समाधान का समय है। और अगर समाधान चाहिए तो आपको सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि हमें नियमों का पालन करना है और इस समय का लाभ लेना है। अगर हम इस समय का लाभ लेना चाहते हैं तो हमें ज्ञानी बनना होगा। अज्ञानता वाली भाषा नहीं बोलनी होगी कि जी नहीं कुछ भी चलेगा, हम भाव से पूजन कर रहे हैं सब चलेगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और विशेषतः मैं इस समय फिर आपसे ये कह दूं कि ये बड़ा उत्तम समय है। चतुर्मास का समय एक ऐसा ही है, चार महीने अगर आप देखें इसमें आप शिव की उपासना भी करते हैं, पितरों को भी मनाते हैं, देवी की उपासना भी करते हैं, ठीक है, और अंत में देव उठनी एकादशी तक आप चले जाते हैं, यहाँ पर श्री राम की उपासना भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी चतुर्मास में आ जाती हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ डबल बोनस मिल रहा है कि हाँ दो बार सावन आ रहा है, दो महीने तक सावन का महीना रहेगा, तो इसलिए हमें इसका लाभ डबल मिल सकता है अगर हम थोड़ा सा जागृत हो जाएँ, समझदार बन जाएँ। और ये ना सोचकर कि यहाँ ये तो अब सब निषेध हो गया है, ऐसा ना सोचकर हम ये सोचें कि अब ये हमारे लिए एक बहुत बोनस टाइम है जिसमें हम फ़ायदा ले सकते हैं, तो उसको हम लेना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर ज्योतिष का पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।